केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर 10। लास्ट टाइम हम लोगों ने अल्काइल हैलाइड्स के सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस जो होते हैं, जिनको हम न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन या SN बोलते हैं, उनकी एक टाइप देखी थी जिसको हम लोगों ने बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन बोला था। और इसके लिए हमने SN2 भी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। इसको हम बायोमोलिक्यूलर क्यों बोला करते थे, क्योंकि इसमें आपके पास जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप होता था, रेट डिटरमिनिंग स्टेप वो बजाते खुद एक ही होता था, और वो ये होता था कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड होता था, और उसके ऊपर जब आपके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता था तो एक ही स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल अटैक भी हो जाता था और अल्काइल हैलाइड रिमूव भी हो जाता था। तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता था और साथ ये हैलाइड सेपरेट हो जाता था। तो इस क्योंकि इस पूरे रिएक्शन में एक ही तो स्टेप इन्वॉल्व्ड है, तो इसी को हम रेट डिटरमिनिंग स्टेप बोलते थे। और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो हम लोगों ने लिखा था वो कुछ इस टाइप का था कि वो डायरेक्टली डिपेंड कर रहा था कंसेंट्रेशंस पे अल्काइल हैलाइड की और न्यूक्लियोफाइल की। तो चूंकि इसके रेट डिटरमिनिंग स्टेप का ऑर्डर 2 है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप की जो इक्वेशन लिखी हुई है, ऑर्डर इक्वेशन का कैसे निकलता है, इसकी यहाँ पे चार्ज है 1, इस चार्ज कह रहा हूँ इसकी एक्सपोनेंट 1 है, 1 प्लस 1 आपके पास 2, इसका टोटल ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है। तो इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, इस वजह से हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन या बायोमोलिक्यूलर, क्योंकि इस रेट डिटरमिनिंग स्टेप में दो आपके रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व्ड हैं, तो हम बायोमोलिक्यूलर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन इसको बोलते हैं, ठीक है। एक दफ़ा एक चीज़ हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मिस की थी, और वो थी स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर मिस कर दी थी SN2 रिएक्शंस की, कि SN2 रिएक्शंस में आपके पास एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। इन्वर्जन ये होता है कि आपके पास अगर तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास लेट से कि ऐसा न्यूक्लियोफाइल है ना सी, साथ यहाँ पे एच 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 और यहाँ पे आपके पास एक्स लगा हुआ है, तो अब जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा ना, तो मैंने आपको बताया था वो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड से करता है जिस साइड पे ये आपका एक्स लगा हुआ है, यानी आपके पास एक sp3 ऑर्बिटल में एस अटैच्ड है, और इस sp3 की जो बैक लोब होती है ना, न्यूक्लियोफाइल वहां पे अटैक करता है, ठीक है, उस कार्बन लोकेशन के ऊपर, ऑर्बिटल के ऊपर। और फिर आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है उसमें न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली उसकी ऑपोजिट साइड पे लगा हुआ होता है, ठीक है, यानी बाकी स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्ट हो जाता है दूसरी तरफ को, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के शिफ्ट होने को अपसाइड डाउन कह लो कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है, यानी अब तीनों हाइड्रोजन्स यूं लगे हुए होंगे, पहले वो तीनों लेफ्ट साइड पे थे, वो तीनों राइट साइड पे हो गए, ठीक है। समझ लो कि पहले एक कोन थी जो कि ऊपर की तरफ थी, जिसमें नीचे आपके पास एक्स लगा हुआ था, अब वो कोन नीचे की तरफ हो गई है और उसमें ऊपर आपके पास न्यूक्लियोफाइल लगा हुआ है, ठीक है। इस तरह आपके पास स्ट्रक्चर बन जाता है, और इस तरह के स्ट्रक्चर के टेढ़े होने को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं इन्वर्जन। तो आपकी 100% इन्वर्जन हो जाती है, सारा का सारा जितना भी स्ट्रक्चर बनता है वो टेढ़ा बनता है, ठीक है, ऑपोजिट टू द रिएक्टेंट। जो अल्काइल हैलाइड के अंदर जो हैलाइड ग्रुप जिस पोजीशन पे लगा हुआ होता है, न्यूक्लियोफाइल एग्जैक्टली उससे ऑपोजिट पोजीशन के ऊपर, इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैच होता है आके, ठीक है। और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट थी, लास्ट टाइम हम लोगों ने बात की थी एनर्जी की टर्म्स में SN2 रिएक्शंस की। आज हम एक नया रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसको हम बोलते हैं SN1 रिएक्शन। और जैसे कि आप नोट कर सकते हो, इसके नाम से आपको नजर आ रहा है कि ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन इसमें सिर्फ इतना फर्क पड़ रहा है कि आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब, यानी इसका जो रेट डिटरमिनिंग स्टेप है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, वो उसमें सिर्फ एक ही कोई चीज इन्वॉल्व्ड है, ठीक है। तो सबसे पहले चले मैं आपको इसका मैकेनिज्म बता देता हूं। ये आपके पास नीचे लिखा हुआ है, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है RX। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि ये जो RX होता है ये अपने आप को आयनाइज करता है रिवर्सिबल फैशन के अंदर। रिवर्सिबल का मतलब, यानी ये है तो आयनाइजेशन, ये रिवर्स भी चल सकती है, ये रिवर्सिबल आयनाइजेशन होती है सबसे पहले, ठीक है। और जब एक दफा आयनाइजेशन हो चुकी होती है, आपके पास एक R+ बन जाता है, और इस R+ को हम कार्बो केटाइन बोलते हैं,
ये से पहले भी आप एक जगह पे पढ़ चुके हो कार्बोकेटाइन्स के बारे में, जब आप लोग अल्कीन्स के रिएक्शंस पढ़ रहे थे ना चैप्टर नंबर 8 के अंदर, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन्स आपके पास फॉर्म होते हैं। अब जब एक दफा कार्बोकेटाइन आपके पास बन गया, अब उस कार्बोकेटाइन को न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है, ठीक है, और न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हो जाता है। अगर आप इनिशियल और फाइनल चीज को देखो ना, ये और ये, तो ये एग्जैक्टली वही चीज है जो आपका SN1 रिएक्शंस में था, ठीक है, एक RX और सेकेंडली NUR, ठीक है, यहां पे भी आपकी RX से कहानी स्टार्ट हो रही है और न्यूक्लियस R के साथ ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ हुआ है। अब फर्क किस चीज पे पड़ा है? डिफरेंस ये है कि दिस इज अ टू स्टेप प्रोसेस। बाय टू स्टेप प्रोसेस इसका मतलब ये बन रहा है कि उसमें यह होता था कि जिस वक्त आपका ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था ना इसको, इस लोकेशन के ऊपर, साइमल्टेनियसली उसी वक्त आपका ये एक्स साथ साथ रिमूव भी होने लग जाता था, और विद इन, मतलब ये बहुत क्विक रिएक्शंस होते हैं आपके SN2 जो रिएक्शंस होते हैं, थोड़े से टाइम के अंदर क्या होता था कि जितनी देर में ये आर पूरा अटैच होता था उतनी देर में एक्स रिमूव हो चुका होता था। इसमें यह नहीं होता, इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बल्कि इसमें पहले आपके पास आयनाइजेशन हो जाती है, ठीक है, और अब जब आयनाइजेशन हो जाती है आपके पास, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? आयनाइजेशन कैसे की जाती है? आयनाइजेशन कोई आपको रीजन डालना पड़ेगा तब आयनाइजेशन होगी, ठीक है, तो अभी हम उस बारे में बात करते हैं। लेकिन आप पहले गौर करो कि इसमें आपके पास दो स्टेप्स हैं, पहले जो है अल्काइल हैलाइड ब्रेक होता है, पहले स्टेप में ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है और दूसरे स्टेप में मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स है, यानी दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन को, और आपके पास कार्बोकेटाइन और न्यूक्लियोफाइल का आपस में बॉन्ड बन जाता है और ये आपके पास प्रोडक्ट बन जाता है, ठीक है। अब आप अगर स्टेबिलिटी की टर्म्स में बात करो ना, सबसे पहले हम स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं कि ये जो दोनों रिएक्शंस हैं ये क्या हमें बता रहे हैं। अगर आप स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करो तो ये जो पहला स्टेप है ना, ये ऐसा स्टेप है जिसके अंदर आर एक्स और न्यूक्लियोफाइल ने आपस में रिएक्ट किया तो आपका आर और एक्स सेपरेट हो गए, ठीक है, तो हम इसमें बॉन्ड्स ब्रेक कर रहे हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सो स्टेप वन ऑफ द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, और जो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं वो नॉर्मली स्लो होते हैं, इसके अंदर आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, बड़े स्लो स्लो ये ऊपर जाएगा, और आप देख सकते हो कि यहां पर एनर्जी आर एक्स की कम है और ये जो बीच में इंटरमीडिएट बनेगा इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो आपका स्टेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरमीडिएट इज अनस्टेबल। एनर्जी ज्यादा होने का मतलब है कि दिस इज अनस्टेबल, अनस्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो, कुछ चीज स्टेबल है आप उसको अनस्टेबल बना रहे हो, तो ये स्लो रिएक्शन होगा, ठीक है। और जो स्टेप टू है, अगर आप उस पर गौर करो, ये जो स्टेप टू है इसके अंदर यहां से आपने यहां पे आना है, टॉप टू बॉटम आना है आपने, टॉप टू बॉटम आने का मतलब है यहां पे चीज अनस्टेबल है, हाई एनर्जी पे है, और इधर नीचे आके ये चीज लो एनर्जी पे आ रही है, बिकॉज ये ग्राफ एनर्जी का है आपके पास, लो एनर्जी पे आ रही है, तो हो ये रहा है कि आपका हाई एनर्जी टू लो एनर्जी जब आप आते हो तो आप स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो, यानी आप अनस्टेबल चीज को स्टेबल कर रहे हो, तो जब आप एक अनस्टेबल चीज को स्टेबल कर रहे हो तो इसमें आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो खुद ही स्टेबल, आपको स्टेबल करने की कोशिश तो वो खुद ही करेगा ना, तो इसमें एनर्जी लिबरेट होगी, एंड स्टेप टू इज हेंस एक्सोथर्मिक, ठीक है। अब जब स्टेप टू एक्सोथर्मिक है और इसमें बड़े, अब देखो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज ने आपस में मिक्स होना है, स्टेप टू में हो क्या रहा है, आर प्लस और ये जो न्यूक्लियोफाइल माइनस साइन के साथ इन्होंने बस आपस में बॉन्ड बनाना है, तो जब भी बॉन्ड मेकिंग होती है, बॉन्ड मेकिंग के अंदर हमेशा एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड ब्रेकिंग यहां पर हो रही है पहले स्टेप में, बॉन्ड ब्रेकिंग में हमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, बॉन्ड एंथैल्पी जो बॉन्ड एनर्जी जितनी होती है, हमने 2-3 लेक्चर्स में पहले देखा था बॉन्ड एनर्जी किसको बोलते हैं। तो ये आप देखो कि स्टेबिलिटी के टर्म्स में हम लोग पहले एक इंटरमीडिएट बनाते हैं, वो खुद ही बन जाता है, आप एनर्जी सप्लाई करते हो और एक स्लो रिएक्शन होता है और वो एंडोथर्मिक होता है। अब अगर मैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप की बात करूं तो इन दोनों में से कौन सा रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है? लेट्स से इस रिएक्शन में आपके पास 15 सेकंड्स लगे और ये सेकंड स्टेप में आपके पास 1 सेकंड लगा, ओवरऑल आपके पास 16 सेकंड्स लगे इस रिएक्शन को होने में, ठीक है। अगर तो 16 सेकंड्स में रिएक्शन हुआ और अगर मुझे सिर्फ कोई ये 15 सेकंड बता दे तो मैं ये अंदाजन बता सकता हूं कि क्या आपका रेट है, तो आप सिर्फ इस ऊपर वाले रिएक्शन को देख के रेट का अंदाजा कर सकते हो, और ये जो आपका पहला स्टेप है इसको हम कहते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो हम रेट डिटर्मिनिंग स्टेप पे पहुंच गए, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप,
ये भी अब आपको पता चल गया ये कौन सा है. डिटरमिनिंग स्टेप में यहां पे आगे लिख भी देता हूं ये कौन सा है. ये आपके पास वो स्टेप है जिसके अंदर R और X का बॉन्ड बना हुआ था, ठीक है, और वो आयनाइज होके R प्लस और X माइनस में चेंज हो गया. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं. फॉर एग्जांपल आपके पास CH3 और यहां पे X की जगह मैं लगा देता हूं क्लोराइड और यहां पे H, ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या किया, इसकी आपने आयनाइजेशन कर दी. तो इसकी आयनाइजेशन करके जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपके पास CH3H, ये आप देख सकते हो कि जो मैंने अभी पीछे बनाया था ये क्या था आपके पास, ये आपके पास सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड था, ठीक है, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इसमें जो आपके कार्बन लोकेशन है जिसके ऊपर आपका क्लोरीन लगा हुआ है उसके साथ फर्दर दो कार्बन लगे हुए हैं, ठीक है, तो ये सेकेंडरी कार्बन लोकेशन है. तो ये आपके पास अल्काइल हैलाइड यूं इस तरह आपके पास ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ठीक है, और साथ में आपके पास दूसरी चीज क्या प्रोड्यूस होगी, क्लोरीन माइनस साइन के साथ. और ये जो एक ग्रुप आपका निकलता है ये आपका क्या होता है, लीविंग ग्रुप, इसको हम बोलते हैं लीविंग ग्रुप, ठीक है. अभी तक तो मैंने आपको मुख्तलिफ वोकैबुलरी जो है ना इसकी बताई है और मैंने आपको बताया कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप आपके पास ये वाला होता है और इसकी एक एक ने एग्जांपल भी कर ली है, ठीक है. अब जब आपने आयनाइजेशन करनी है पहले स्टेप में, मतलब ये आयनाइजेशन होगी तो रिएक्शन आगे चलेगा ना, तो आयनाइजेशन किस तरह की जाती है, आयनाइजेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सम सॉल्वेंट की जाती है. फॉर एग्जाम्पल अगर आपने आर एक्स को आयनाइज करके आर प्लस और एक्स माइनस में चेंज करना है तो आपको कोई ना कोई सॉल्वेंट चाहिए होगा. इस केस में आप ऊपर देखो इसने ROH यानी एक अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज किया है. ROH लाइक CH3OH हो सकता है या CH3CH2OH हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कोई भी आप चीज यूज कर सकते हो, लेकिन वो चीज ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर वो पोलर होनी चाहिए. पोलर होने का मतलब ये है कि उस पे कोई दो किस्म के एटम्स होने चाहिए, किसी एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता हो और किसी एक पे नेगेटिव. और होगा ये कि आप डाइसोल्यूशन पढ़ चुके हो अपने प्रीवियस क्लास में कि आपके पास ये जो R प्लस है ना ये सिर्फ तब ही सेपरेट होगा अगर इसको यूं सराउंड कर लें आपके सॉल्वेंट जो आयन सॉल्वेंट जो आपने डाला हुआ उसके अंदर, और ये जो आपका एक्स माइनस है इसको भी आपका सॉल्वेंट यू करके सराउंड कर लेगा, ठीक है, और इस प्रोसेस को हम डाइसोल्यूशन बोलते हैं. नॉर्मली आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर वाटर के बारे में इस तरह पढ़ा होगा. अब देखो इसमें जो HOR है इसमें अल्कोहल पार्शियल नेगेटिवली चार्ज है तो ये R प्लस के गिर्द O आ जाएंगे सारे, ठीक है, R प्लस के गिर्द O सारे सराउंड कर लेंगे R प्लस को, और ये जो X माइनस है इसके गिर्द हाइड्रोजन सारे के सारे आ जाएंगे बिकॉज हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज है. तो ये जो अल्कोहल का हाइड्रोजन वाला हिस्सा है ना ये सारा इसके सामने आ जाएगा. आपके पास ये जो सॉल्वेंट्स हम लोग यूज करते हैं ना, सॉल्वेंट्स ये बहुत सारे किस्मों के हो सकते हैं. सबसे एक टाइप होती है सॉल्वेंट्स की जिसको हम बोलते हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स. प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे आपको नाम से नजर आ रहा होगा, प्रोटिक का मतलब जिसके अंदर प्रोटॉन्स होते हैं यानी जिसमें H प्लस होता है, ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स आपके पास वो होते हैं जिनके अंदर H प्लस होता है. फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसी चीज जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन नेगेटिवली और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, अगर ये OH का बॉन्ड ब्रेक करता तो ये H प्लस अलग हो जाता, तो ये एसिडिक नेचर होती है इन सॉल्वेंट्स की, ठीक है. तो नॉर्मली हम जितने भी सॉल्वेंट्स डालते हैं इनकी नेचर एसिडिक होती है. आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप लेट्स से NH या अमीन टाइप चीज डाल देते, उसमें यह होता कि नाइट्रोजन पार्शली नेगेटिवली चार्ज होता है और हाइड्रोजन ये नेगेटिव चार्ज होगा नाइट्रोजन पे और हाइड्रोजन पे आपके पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, तो इसमें भी प्रोटॉन्स इन्वॉल्व हैं, तो ऐसे सॉल्वेंट्स को हम प्रोटिक सॉल्वेंट्स कहते हैं, ठीक है. दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. इस नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग सॉल्वेंट अफेक्ट से बात आगे स्टार्ट करेंगे. ये जो सॉल्वेंट्स अभी हमने बात की है ना कि SN2 रिएक्शन SN1 जो आज जिस रिएक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं ये किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, इसका जो रेट होता है वो किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है ये हम इसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे.